ओके हेलो सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सो दिस सेशन ऑल अबाउट देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्लेट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं राइट फ्रॉम योर लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेज डाउट सॉल्विंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है सो एन अकेडमी इज बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का जरूर फायदा उठाएं और आपका जो करियर है आपका जो सेट करियर है उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली uh, जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल है आप चाहे जेई करो आप शायद यू करो आप शायद एम करो आप नीट करो कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है सो so आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए अकेडमिक रिलेटेड आप अनकेडमी का फायदा जरूर उठाएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है आपका जो करियर है वो सेट हो सके ठीक है चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ़ द डे एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो ओके सो मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुंग है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर माई नेम दैट इज माई नेम इज अजिंक्य एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए चलिए तो आपको अगर मेन क्वेश्चन ऐसा आया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्ट लेटर से हार्ट का वर्किंग कैसा है क्या है चलो तो हार्ट के ऊपर लिखते हैं, नोट ऑन हार्ट

पंपिंग ऑर्गन या फिर इज आवर लिखने की जगह पे पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस लेकिन पंपिंग ऑर्गन ब्लड पंपिंग ऑर्गन ओके तो वो बराबर लिखना पड़ता है किसका पंपिंग ऑर्गन तो ब्लड पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन राइट ह्यूमंस कर देता है नौ uh, कितने चेंबर का ये फोर चैम्बर्ड हाँ तो वो लिखना है आपको हार्ट ह्यूमन हार्ट is four chambered so that oxygenated and deoxygenated blood can be kept separated hard human heart uh, is four chambered so that oxygenated and deoxygenated blood can be kept separated yoga now ब्लड uh, कहां से कहां जाता है कैसा मूवमेंट होता है वो सब कुछ बताना है राइट right? अभी हमारे को किधर भेजना है खून को पूरा बॉडी uh, से हार्ट की तरफ फिर हार्ट से लंग्स की तरफ लंग्स से हार्ट की तरफ और हार्ट से फिर बॉडी की तरफ तो सबसे पहला खून कहां से कहां आएगा एट फर्स्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी लेकिन कौन सा ब्लड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम the body will come into the कौन सा atrium right atrium into the right atrium of heart at first deoxygenated blood from the body will come into the right atrium of heart through किसके through vena cava that is the first point now let us go into the second one ये तो पहला हो गया नहीं तो एक काम कर सकते हो तुम इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हो Step वन मतलब कैसा फिर वो आइडेंटिफाई करने में भी इजी जाता है तुमको रेक्टीफाई करने में स्टेप टू डिटेट ब्लड आ गया कहां पर राइट right एट्रियम के अंदर अब राइट right एट्रियम में सपोज uh, जब वो ब्लड आएगा तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि रिलैक्स होगा ब्रैकेट में लिख दो क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा रिलैक्स ना ब्लड फील हो रहा है रिलैक्स ओके okay, उसके बाद ब्लड विल गो ब्लड विल गो इनटू टू वेयर इन टू राइट वेंट्रिकल राइट एंड इस वक्त हार्ड का क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स आपका जो एटीएम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बेसिकली रिलैक्सेशन के वक्त राइट ओके सो रिलैक्सेशन के वक्त अगेन सेम थिंग लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं ऊपर वाला लिख दे इस मोर देन सफिशियंट तो काम करते हैं लेटस जस्ट रिमूव दैट क्योंकि कैसा वो आंसर को बहुत बड़ा देख, बना देगा बिना रीजन के डिऑक्सीनेटेड फ्रॉम दॉडी राइट एंट्री थ्रू ब्लड राइट एंट्रिकल अभी ठीक है पास कर देंगे लंग्स को विल बी पास टू लंग्स थ्रू कौन सा आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी स्टेप फोर ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स लंग्स के अंदर क्या होगा ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स एंड विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू हार्ट वाया कौन सा भी आर्टरी पल्मोनरी वेन वो वहां पर आर्टरी था अभी भी यहां पर क्या होगा वेन होगा सो पल्मोनरी वेन Okay, तो step number one हो गया step number two, three, okay, तो स्टेप नंबर वन हो गया स्टेप नंबर टू थ्री फोर ओके तो लंग्स की तरफ से हार्ट की तरफ आ गया पूरा अपना खून अभी उसके बाद आ, लेकिन किधर हार्ट में एग्जैक्टली वेयर लेफ्ट एट्रियम राइट ट्रांसपोर्टेड बैक टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट वाया पल्मोनरी वेन उसके बाद स्टेप फाइव क्या लिखेंगे ब्लड विल देन बी पास्ट टू Uh, कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में गया एंड फर्दर एंड फर्दर थ्रू एओर्टा एंड फर्दर थ्रू एओर्टा टू वोल बॉडी यहां पर इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन ऑक्सीजनेटेड हर एक शब्द के पहले ब्लड के पहले सो दैट यू कैन टेल द इवेल्युएटर कि भाई आप एग्जैक्टली exactly कौन सा ब्लर्ड के बारे में बात कर रहे हैं okay. ओके और इसके अंदर एक पॉइंट और एक एड करेंगे हम लोग हार्ट के बारे में ये तो प्रोसेस हो गए ठीक है प्रोसेस को हमने एक ही इसमें लिखा लेकिन हार्ट के बारे में इज समथिंग मोर यू नीड टू राइट डाउन कौन कौन से -कौन से points? एक वो वाल वाला वाल पॉइंट कि आपके वॉल्स रहते हैं हार्ट के अंदर सो दैट बैक फ्लो ना हो और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि वेंट्रिकल का पार्ट थोड़ा ज्यादा मस्क्यूलर होता है थिक होता है एज कम्पेयर टू एट्रियम ओके तो वो पॉइंट एक लिखना है एट्रियम इज लेस थिकर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल

Okay. तो अभी हमने कौन सा देख लिया हार्ट के बारे में तो के साथ हमारा ऑब्वियसली लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का कैसा नाटक है प्लांट्स के अंदर वी हैव टू टाइप्स राइट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड तो वाटर का अलग लिखते हैं फूड का अलग लिखते हैं ठीक है ट्रांसपोर्टेशन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन वाटर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लांट्स या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं एंड तुम कंबाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन उन्होंने अगर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बोला है तो तुमको वाटर फूड दोनों का लिखना पड़ेगा अगर उन्होंने वाटर का सेपरेट पूछिए तो वाटर का सेपरेट लिखो और फूड का सेपरेट पूछा है तो फूड का सेपरेट लिखना चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं कैसे कैसे होता है सो so, Uh, पहला पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्लांट में कि प्लांट का एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है प्लांट uh, लेकिन वो फूड के अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे ठीक है पानी के इसमें हम लोग खाली इतना बोल देंगे कि कहां से आता है सबसे पहला हु हेल्प की फ्लोए हेल्प्स टू एब्सॉर्ब हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर

वॉटर कैनॉट फ्लो फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट या फिर ट्री टॉप ऑफ द ट्री ड्यू टू ग्रेविटी एंड इफ़ द प्लांट इज लार्जर वाटर कैनॉट फ्लो फ्रॉम रूट टू द टॉप द ट्री यूजिंग सिंपल डिफ्यूजन तो क्या यूज करेंगे फिर ट्रांसपीरेशन ओके इन दिस ट्रांसपीरिएशन हेल्प व्हाट इज ट्रांसपीरेशन उसके बारे में लिखना पड़ेगा ट्रांसप ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन बुक में का लिख देने का क्या डेफिनेशन है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर राइट द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल प्लांट ऑफ द्लांट राइट फ्रॉम द एरियल Parts of the plant. The loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant is called transpiration. Due to transpiration, it creates a suction at the top of the tree. या फिर एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड हेंस द वॉटर इज अप अप किसके थ्रू थ्रू ज़ाइलम इज सक्ट थ्रू ज़ाइलम बाय ट्रांसपिरेशन कैसे होता है वो भी लिखना पड़ेगा सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा एक काम कर लेते है. इसको सेवन पॉइंट बना लेता है इसको सिक्स पॉइंट एक ऐड कर लेता है transpiration occurs via uh, stomata and mainly due to sun, if yeah, temperature of the sun, whatever you want to call it. so transpiration occurs via stomata, uh, so let's say uh, stomata, and mainly due to the sun. due to the transpiration, it creates a suction at the top of the plant and hence the water is sucked up through xylem. ओके okay, ठीक है आई थिंक वी हैव इंक्लूडेड एनफ एनफ पॉइंट्स ओके दिस इज पॉइंट और एक लास्ट वाला ट्रांसपीरिएशन uh, कब एक्टिव रहता है एंड आपका जो रूट प्रेशर है वो कब एक्टिव रहता है रूट प्रेशर इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड ये जो हमारा दूसरा है कौन सा ट्रांसपीरिएशन ट्रांसपुरेशन इज मोर एक्टिव इन नाइट टाइम डे टाइम इज मोर एक्टिव इन ड्यूरिंग डे हाँ यहां तक ठीक है रूट प्रेशर इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड ट्रांसफोरेशन इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग डे आई थिंक दिस विल डू Okay. चलिए सो so हमने अभी क्या देखा वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अभी कौन सा देखेंगे फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स फूड एंड अदर सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अभी ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है फलोएम ओके okay, तो फ्लोएम का सबसे पहले लिखना है कि फ्लोएएम हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटें यह फ्लोएम के बारे में हो गया पहला स्टेटमेंट सेकेंड इज वो प्रोसेस का नाम क्या है ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फूड इट्स कॉल्ड एस ट्रांसलोकेशन ओके द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट Of photosynthesis in plants is called translocation. तो जो सोल प्रोडक्ट है ट्रांसलोकेशन अब मेन क्वेश्चन ये ट्रांसफर कैसे होता है इसमें और वो वॉटर के अंदर क्या डिफरेंस है हाँ बाय द वे वो एक ऐड करते हैं पॉइंट वाटर वाला इट्स अ सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द मूवमेंट ऑफ द वॉटर एक और एक पॉइंट एड कर लो वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड डजेंट रिक्वायर एनर्जी ऑफ द प्लांट टू डू इट ये एक पॉइंट ऐड कर लो ऊपर वाटर के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रिक्वायर एनर्जी ऑफ द प्लांट टू डू इट इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे टू मूव फूड इनसाइड प्लांट एनर्जी हैज बी सप्लाइड एंड कैनॉट बी डन विदाउट इट बिना एनर्जी के काम नहीं होगा ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है तो इट इट डेफिनेटली है अभी और एक चीज ये एनर्जी कौन से फॉर्म में आएगी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी

मटीरियल इज ट्रांसफर्ड किस को ट्रांसफर किया जाता है टू फ्लोएम फ्लोएम टिश्यू यूजिंग वॉट ए टीपी ए टीपी से डाल दिया आपने तो इससे क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है इट इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूड ऑफ द फ्लोएम टिश्यू एंड वॉटर मूवस Causing? Causing क्या होता है सोस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वॉटर टू मूव इन साइडेड हाँ ये ठीक है यहाँ आगे अब क्या होता है खाना उसके अंदर आता है ठीक है ये तो अपना सिर्फ पानी आ गया लेकिन अभी खाना भी आएगा दिस प्रेशर द फूड मटीरियल फूड मटीरियल किसमें का किसमें इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर मतलब बाजू वाले मतलब तुमने क्या बोला सबसे पहला फ्लोएम के अंदर फूड आया फिर उसके अंदर पानी आया फिर वो उस प्रेशर की वजह से बेसिकली बाजू वाला जो लेस प्रेशर वाले हैं फ्लोएम के दूसरे वाले उसके अंदर खाना ट्रांसफर हो गया, on on. गया यहीं तक ही है। so, पूरे पॉइंट्स कवर हो फ्लोएम इन मूव हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड है ट्रांसपोर्ट ऑफ है टू मूव फूड इन ठीक है फूड मटीरियल ट्रांसफर टिश्यूजी ऑस्मोटिक प्रेशर

उ uh, जो मेन कंपोनेंट अभी बात करेंगे हम लोग दैट इज अबाउट एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के अंदर uh, दो टाइप के एक्सक्रीशन है एज यू नो ह्यूमन एंड हमारे प्लांट्स का प्लांट्स का तुमको पता है कि इट्स तो वेरी छोटा है एकदम सिंपल स्टेटमेंट में हो जाएगा प्रॉब्लम है खाली ह्यूमन uh, का अब ह्यूमन की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दो टाइप में है एक तो आपको नेफ्रॉन के बारे में डिटेल पूछा जाएगा नहीं तो आपको किसके बारे में पूछा जाएगा सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तो लेट डाउन नोट ऑन बोथ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन दोनों का अलग अलग लिखेंगे नोट ऑन कौन सा ह्यूमन सिस्टम? इसको सेपरेट लिखेंगे नेफ्रॉन का सेपरेट लिखेंगे ठीक है इसके अंदर वैसे नेफ्रॉन का भी बात करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा लेकिन इट शुड बी वन लाइनर एक वन लाइनर सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा चलिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या रहता है ओके सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं लेट मी जस्ट टेल यू देखो आ, हमारे पास आ, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे ठीक है वन मिनट अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है देखो दिस इज फॉर प्लस ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास का प्लस के रेट्स क्लास, के के क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास के आइकॉनिक के रेट ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है इट समथिंग लाइक दिस अब जितना बड़ा लोगे वैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तेरह महीने का कितना आ रहा है सपोज से छह महीने का आपको दस हजार पड़ रहा है राइट बारह महीने का देख लो कितना आ रहा है अगर आप छह महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता है तो बारह महीने का बीस हजार हो जाता लेकिन हजार तो, तो देखो आप जितना बड़ा उतना जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब सेलेवें चारों साल का एक साथ ले लो बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा दैट इज फोर्टी एट मंथ्स तो फोर्टी एट मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू फोर्टी ठीक है चालीस आपको पड़ जाएगा Uh, if you apply for 48 uh, वैसे ही आइकॉनिक अगर आप फोर्टी एट का लेना चाहते हो तो फोर्टी एट मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है एटी थ्री थाउजेंड अब एटी थ्री थाउजेंड इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपेरिजन में क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है इंडिविजुअल सपोर्ट है थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट है सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कपैसिटी इधर यू कैन गो फॉर फोर्टी एट मंथ फोर्टी थाउजेंड या फिर फोर्टी एट मंथ एटी थ्री थाउजेंड आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर फोर्टी एट मंथ प्लस और इधर फोर्टीट मंथ आइकॉनिक तो फोर्टी थाउजेंड या फिर एटी थ्री थाउजेंड अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं आप छत्तीस महीने का ले सकते हैं छत्तीस मतलब तीन साल हो जाते हैं दैट इज महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज थर्टी टू थाउजेंड कितना है

क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे मैं अगेन बोल रहा हूँ उतना आपको सस्ता गिरेगा एंड ऊपर से ये क्या करना पड़ता है ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है अब कौन सा कोड तो आप कोड का आप ये कोड ध्यान में रखना दैट इज एस लाइफ टेन अजिंक्य सोड़ों के एल आई वी वन जीरो पे लिखना है आपको देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए आइकॉनिक चाहिए राइट मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया ठीक है आइकॉनिक ले लिया और फोर्टी एट मंथ्स का आप ले रहे हो तो फोर्टी क्या करना है आइकॉनिक लेना है नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा ठीक है मतलब डू हैव अ कोड वगैरह पूछा आपको इसको टैप करना है सबसे पहले आइकॉनिक को कर लिया दैट इज फर्स्ट स्टेप आप लिख दी है, करते है ना, आपकी जो, जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर वो टेन परसेंट कम होकर आपको दिखाई जाएगी ठीक है तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोड लिख देना है ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोन के एल आई वी वन जीरो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसमें स्पेस नहीं देना है ठीक है इट शुड बी कंटिन्यूस ए एस एल आई वीई वन जीरो कंटिन्यूएशन में लिखना है आप ये कोड पे टैप कर दो ये कोड लिख दो आप उसको डन कर दो तो इमीडिएटली आपका टेन परसेंट कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी फिर आप प्लान को ले लो फोर्टी एट मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स है मतलब लाइक like पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट uh, में कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे तो uh, आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं दैट्स अप टू यू आपको कैसे पे करना है बट uh, बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले राइट सो मोस्ट पार्ट एंड कोड कोड को नहीं भूलना uh, कि आपको कौन सा यूज करना है तो टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें सस्ता बना दे अपने प्लान को ऑल योर टू डो इज यूज दस कोड ठीक है तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके राइट सो so, वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन जरूर दबाना है उतना तो काम कर ही देना ठीक है चलिए देन ओके तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड दिस इज अवर बेसिक प्लान और मतलब क्या है तुम ऐसा समझ सकते हो प्लस का एडवांस्ड प्लस का एडवांस so, क्या है आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ये आपके ऊपर है वेदर यू to टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं दैट इज स्टार तो आपके ऊपर है राइट दिस इज वन ऑफ अर बेसिक प्लांट एंड इसको आइकोनिक हम लोग क्या बोलते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट तो दिस इज थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से एक मिनट भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी प्लस so, में क्या क्या फीचर मिलेंगे देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ मैथ्स के लिए ये ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज सपोज लेटर स्विच द द्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना कोई जरूरत नहीं है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे सेकंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे तो जिसकी वजह से आप आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है आपको नहीं आ रही है तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट uh, कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूअर लेट से जो भी प्रॉब्लम है कोई टॉपिक्स है समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरलीट से uh, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर whether it is about uh, let's say explanation part आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा with uh, let us say uh, the teachers of the plus subscription अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्वजेस देखो कैसा है ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर आई एम सेइंग एजुकेटर्स क्यों इसका फायदा क्या है देखो कैसा होता है जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है राइट साइंस के लिए एक टीचर मैथ्स के लिए एक टीचर तो इसमें वैसा नहीं है इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा तो आप क्या कर सकते हैं आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं मतलब दैट फैसिलिटी ऑल्सो देर क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथडोजी यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके राइट नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का कि वो डेट try their best to teach like in their own way. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब एक मेथड क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का इट माइट हैपन तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स है मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स है अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग देख सकते हैं आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं सो देर इज नो प्रॉब्लम राइट चलिए सो बेस्ट टीचर्स आपको बढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विलस्ट एंड क्विजेस अब ये क्या है देखो Uh, अब पढ़ाई जब हो जाती है मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसके टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है हमारे पास क्विजेस भी हैं मतलब लाइक एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ आपको से टाइम पीरियड तो किया जाता है तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं उसका टाइम टेबल यू कैन गो इन टू क्विज सेक्शन आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट ठीक है आप इसको चेक कर सकते हो किसको लेट uh, से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई uh, कौन सा क्विज है सपोज उसमें uh, कौन से टॉपिक uh, के ऊपर है कौन से टाइम पे है कितने क्वेश्चंस है कौन सा लेसन है सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं आप जितने आपके हिसाब से इट्स नॉट कम्पल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ क्विज लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं नाउ लेटस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पी इसके लिए जाते हैं देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको आ, मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक तो वो कैसा रहेगा स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस एक पर्टन लेट से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं ऐसा नहीं है इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है आपको पढ़ाया जाता है तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं ये पूरे एंड ऑल्सो यू गेट द दीडीएफ आपको इसके पीडीएफ भी मिलते हैं दैट इज अनदर फायदा इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं तो नीचे सपोल से पीडीएफ का ऑप्शन है तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दैट दैट वोंट बी एन इशू तो ये है प्लस के फीचर्स राइट ये प्लस के फीचर्स है तो एंड वट अबाउट आइकॉनिक आइकॉनिक के फीचर्स क्या है देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में मेचो ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही हैं लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ हैं एक्स्ट्रा सबसे पहला क्या पर्सनल मेंटर आपको एक मेंटर एजाइन किया जाता है अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है देखो कैसा होता है ना मेनियर टाइम्स यू डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं जो Uh, मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता राइट right? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द योर क्लास एक पूरा जो पूरा जो आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटॉर चाहिए राइट इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर राइट तो यही है सॉल्व सब सब हो जाएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन अब इसका क्या मतलब होता है देखो लाइव डाउट सोल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा आपके टीचर रहेंगे आप रहेंगे और सपोलेट से आप एक क्वेश्चन भेजेंगे फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा मे बी थ्री मे बी सपोलेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे ऐसा कुछ लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है इसका मतलब ये है आपने

अब ये क्या रहता है देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में वॉट यू डू इज़ यू आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई uh, उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन की मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स नो स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे राइट right? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है आप सब से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स विच इज विच इज अकॉर्डिंग टू मी द ग्रेटेस्ट एसेट यू कैन हैव इन योर एंटायर प्रिपरेशन बिकॉज वन थिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन सिलेबस कंप्लीशन इज कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब बेस्ट फीचर वही है उसके रेट्स कैसे कैसे हैं राइट प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं ओके सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट ओके हेलो सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे uh, क्या प्रकार की टेस्ट है क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या है टॉपिक्स क्या है और उसके रिवॉर्ड क्या है सो so, ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज इजेडमीज एमर्ज एग्जाम ठीक है एग्जाम का नाम क्या है एमर्ज तो इट इज अन्य लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है एंड दिस इज फॉर क्लास सिक्स टू ट्वेल्व तक है ये सिक्स टू ट्वेल्व तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका जो डेट है और टाइम है वो है डेट है ट्वेंटी जून बीस जून को होगी ये एग्जाम देट से बारह बजे दट से दोपहर के बारह बजे से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी तो ये एग्जाम ध्यान में रखें द डेट इज ट्वेंटी जून ट्वेल्व पी दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें सिक्स टू ट्वेल्थ तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें

और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें ठीक है सो so दैट आपका से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है तीस क्वेश्चन है साठ मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं ये चीज जरूर अप्लाई करें द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्रिप्शन ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो उसको आप क्लिक करें एनरोल करें और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम कौन से क्लास के लिए है फॉर सिक्स टू ट्वेल्थ अगर आप सिक्स टू ट्वेल्थ के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं टेस्ट का डेट है ट्वेंटी जून टाइम है 12 बजे और इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें सो थैंक यू सो मच ओके तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेनएवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन एन एकेडमी आप आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म लेकिन सभी हमारे जो आ, ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर टेन परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल है ठीक है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें बिकॉज ये कैसा है ना आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा नाउ फॉर टेन परसेंट ऑफ टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है ये दोनों पे अवेलेबल है दिस इज अवेलेबल ऑन एन प्लस आल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आल्सो ऑल यू टू डॉ

मतलब लाइक यू नो टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली मतलब आपने कोड लिखा ना इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट है चार्जेस है वो टेन परसेंट कट करके आपको दिया जाएगा टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ फिर आप पेमेंट कर सकते हैं ठीक है सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर आपको क्या करना है सिर्फ ए एस लाइव टेन कोड का इस्तेमाल करना है कंटिन्यूएशन में लिखना है नो no स्पेस कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है मतलब ए स्पेस एस स्पेस ऐसा नहीं कंटिन्यूएशन में ए एस एल आई ई वन जीरो ये कोड को और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं सस्ता बना सकते हैं राइट नाउ अनदर इज नाउर देखो यू कैन डाउनलोड दी ऐप नाउ आपको खाली क्या करना है आप गूगल अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका एप्पल वाला है आईओ आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन दी ऐप स्टोर आप एप स्टोर पे भी जा सकते हो दैट मीनस जो इसका स्टोर है ऐपल uh, का तो एप स्टोर पे जा सकते हो या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉड ठीक है एंड्रॉय का अगर है आपके पास और अगर एप्पल के आपके मोबाइल हैं तो यू कैन डाउनलोड अन अनडमीकेशन लेट फ्रॉम ऐप स्टोर सो इसके अंदर कैसा है अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग आप क्या कर सकते हो जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया तो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया राइट right? लेकिन आप एक काम कर सकते हो जस्ट टू सी द फीचर्स आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे करोगेट आप, से आपके मोबाइल uh, में तो आप उसको uh, वो आपको कोड पूछेगा मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री यू कैन डू वन थिंग आप ए एस लाइव टेन का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले दैट इज योर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड तो आप कोड लिख दो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है यू कैन चेक द फीचर्स आप फीचर चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट राइट ओके okay, तो इतना इतना चीज कर लो ठीक है पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है फिर उसके अंदर कोड लिखना है एस लाइव टेन और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से कौन से फीचर्स हैं आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह सो so, ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में okay. सो so, uh, कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे देखो तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं मतलब फॉर uh, तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए वॉट वी डू एस हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंट्रैक्शन के लिए देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसनस हैं आ, या फिर आपके जो कोर्सेस हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो यहां पर हमारे दो बैचेस हैं मतलब ये पर्टिकुलर टाइम से थर्टी फर्स्ट तक मतलब तो देखो हार्डली कितने महीने वो जून जुलाई अगस्त मतलब तीन महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स तो ये आपके बहुत फायदे का है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा मतलब आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशन को अटेंड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इश्यू है कुछ प्रॉब्लम है आप उस पर्टिकुलर से लेसन में आप उसको से सॉल्व करवा के ले सकते हो सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ सिलेबस तो यहाँ पर हमारे तीन बैचेस हैं तीन बैचेस के बारे में थोड़े से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास टेंथ ये मिशन हाफ ईयरली बैच है तो हाफ ईयरली बैच है ये और ये सात जून को शुरू होगी और ये थर्टी अगस्त तक चलेगी लेकेस्ट अगस्त हाफ ईयरलीफ ईयरलीफ ईयरलीस एस साइंस एंड इंग्लिश टीचर देख लो सोशल साइंस जो पढ़ा रही है वो रश्मि मैडम है जो सपोर्ट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं एजुकेटर्स और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं टीचर्स हैं इसके आप क्या कर सकते हो जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कैसा है हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोलेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है ऐसा एजुकेटर ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोलेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं उनके प्रोफाइल को और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं वैसे ही क्लास नाइन्थ के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास नाइन्थ के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीआर टी एक्सरसाइजेस तो एनसीआर टी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं एक विनय सर है और एक शिवम सर है और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही है और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाई सपना मैडम एंड uh, मयांक सर

ठीक है तो ये सात जून से शुरू होगी और सात जुलाई को खत्म होगी इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर है और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है द फर्स्ट बैच एस मिशन हाफ ईयरली एस एस टी मैथ साइंस इंग्लिश एंड ये होगा सात जून से लेके थर्टी फर्स्ट अगस्त तक

आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी सो so, सेवन जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे